कहानी उत्तर प्रदेश की। एक मोहल्ला है शहर के पुराने इलाकों जैसा, बिल्कुल सघन। मोहल्ले का एक बाबा है, बाबा माने फिल्मी भाषा में डॉन। बाबा के इलाके में पुलिस भी नहीं जाती। फिर एक तांगे वाले का लड़का इसी इलाके में गुंडई शुरू करता है, एक मर्डर भी कर देता है। बाबा और तांगे वाले के लड़के में ठन जाती है। बाबा को लगता है कि कल का लड़का है, निपटा देंगे, लेकिन लड़का उलट मार कर देता है। क्या बाबा, क्या बाबा के शागिर्द, सबको इस तांगे वाले के लड़के का गैंग निपटा देता है और मोहल्ले से निकलकर शहर में और शहर से निकलकर स्टेट में बाहुबली के नाम से जाना जाता है। बाहुबली जिसके लिए पुलिस वाले भी कहें कि हमसे उसकी आंखों में देखकर बात नहीं की जाती। दशकों बाद इस बाहुबली की सत्ता को चुनौती मिलती है, बाहुबली को पटखनी भी मिलती है और इसका बदला वो सामने वाले को 19 गोलियां मारकर लेता है। क्षणिक जीत, लेकिन यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। भूमिका बांध दी गई है, अब पात्र परिचय करा देते हैं। शहर यानी इलाहाबाद, मोहल्ला यानी चकिया से लेकर रानी मंडी तक, बाबा यानी चांद बाबा, बाहुबली यानी अतीक अहमद और चुनौती देने वाला यानी राजू पाल। नमस्कार, आभार, यह NBT डिजिटल का मंच है। मेरा नाम अभिषेक है और ये किस्सा अतीक अहमद और राजू पाल का है। इलाहाबाद का एक मोहल्ला है चकिया। पुराने इलाहाबादी बताते हैं कि 1960 के अल्ले पल्ले चकिया में फिरोज भाई का तांगा चलता था। फिरोज भाई की मोहल्ले में ठीक ठाक ठसक थी, लेकिन चकिया से लेकर रानी मंडी तक रंगबाजी चलती थी चांद बाबा की। उस समय के इलाहाबाद में शायद ही कोई ऐसा गैर कानूनी काम रहा हो जो चांद बाबा का गैंग ना करता हो, और मजाल की कोई पुलिस वाला चांद बाबा के इलाके में कदम रख दे। ये थी रंगबाजी। इसी दौर में 1962 के साल में फिरोज तांगे वाले के घर बेटा हुआ, नाम रखा अतीक, अतीक अहमद। तांगे वाले का बेटा अतीक ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, अपराध की दुनिया में कदम रखता गया। पैसे और ताकत की चाह में गैर कानूनी काम शुरू किए और उस पर भी नशा अपनी ताकत का, खुले हाथ का, जिसे चाहा पीट दिया, जितना चाहा उतना पीट दिया। अतीक के साथी भी उसके जितने ही खूंखार। और फिर आया 1979 का साल। अतीक अहमद पर पहली बार हत्या का आरोप लगा था और यहाँ से अतीक अहमद के खौफ, दबंगई और राजनीतिक हनक का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके किस्से पूरे सूबे में फैले। अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर, चित्रकूट में उसने बड़ा गिरोह चलाया। प्रयागराज के SP क्राइम रहे मनोज अवस्थी बताते हैं कि इलाहाबाद के खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है। पुलिस के डोजियर के मुताबिक अतीक के गैंग को अंतर्राज्य गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड किया गया है, जिसमें 121 सदस्य शामिल हैं। 1989 में अतीक अहमद ने पॉलिटिकल डेब्यू करा, इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा। अतीक का जलवा ऐसा था कि वो निर्दलीय जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचा, वो भी लगातार 3 बार। 3 बार के निर्दलीय विधायक अतीक को 1996 में समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और वो जीता। फिर 2002 में अपना दल से जीते, लेकिन 2004 में अतीक अहमद सपा से सांसदी का टिकट ले आए। फूलपुर से सांसदी लड़ी और माननीय विधायक जी माननीय सांसद जी बन गए। सांसद बनने के बाद अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट छोड़ दी। 2004 में ही इस सीट पर उपचुनाव तय हुए और अतीक ने सपा के ही टिकट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को लड़वाया। अब यहाँ अतीक अहमद की कहानी पर एक अल्प विराम लगाइए और चलिए राजू पाल की कहानी की ओर। साल 2000 के बाद इलाहाबाद में उभरता एक और दबंग चेहरा, लेकिन पिछले कई दबंगों की तरह ये नाम मुस्लिम समुदाय से नहीं था। राजू पाल की भी वही खुले हाथ वाले दबंग की छवि, मारपीट में तेज, लोहे से लोहा लड़ाने वाले छवि। राजू पाल ऐसे शख्स के तौर पर उभरा जो अतीक के गुर्गों को भी दबोच लेता था। इस नाते राजू पाल को उन लोगों का समर्थन मिला जो अतीक और उसके गुंडों से परेशान रहते थे। राजू पाल का जलवा दुरुस्त हुआ और फिर वो 2004 के उपचुनाव आए, जिसमें इलाहाबाद वेस्ट सीट से सपा के टिकट पर अतीक का छोटा भाई खालिद अजीम लड़ा और उसके सामने
बीएसपी से टिकट लेकर खड़े हुए राजू पाल। उपचुनाव से पहले तक अतीक के गैंग ने कभी राजू पाल के गैंग को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था कि ये कभी उनके बराबर आ पाएंगे। लेकिन उपचुनाव के नतीजे आते ही अतीक एंड कंपनी सन्न रह गई। राजू पाल ने अतीक के छोटे भाई खालिद को करीब 5,000 वोट से हरा दिया। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उस चुनाव में लड़े थे बीजेपी के टिकट पर, उन्हें तब 6,000 वोट मिले थे। चुनाव में जीत के बाद राजू पाल का कद अतीक से आगे जाने लगा। फिर आया 25 जनवरी 2005 का दिन। गणतंत्र दिवस से एक रोज पहले राजू पाल तैयारियों का जायजा लेने किसी गांव जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है। कोई कुछ समझ बूझ पाता उससे पहले तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। राजू पाल के बदन में 19 गोलियां मारी गईं। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता, राजू ने दम तोड़ दिया। इलाहाबाद सन्न था, यूपी सन्न था। एक विधायक का दिन दहाड़े मर्डर हुआ था और आरोप आया 4 बार के विधायक, मौजूदा सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ पर। राजू पाल की हत्या के बाद 2005 में इसी सीट पर फिर उपचुनाव हुए। राजू की पत्नी पूजा बीएसपी के टिकट पर चुनाव में उतरी। दूसरी तरफ एक बार फिर सपा के टिकट पर अशरफ ने चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गए। हालांकि पूजा को भी जबरदस्त वोट मिले। अशरफ को करीब 90,000 वोट मिले, जबकि पूजा पाल को करीब 77,000। लेकिन एक साल बाद ही जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो पूजा ने अशरफ को उसी सीट पर करीब 11,000 वोट से हरा दिया। इस तरह इलाहाबाद की उस खूनी भिड़ंत का एक चक्र पूरा हुआ। लेकिन राजू पाल के मर्डर में नाम आने के साथ ही अतीक अहमद के राजनीतिक करियर का पतन शुरू हो गया। अतीक इसके बाद कभी अपराधी की छवि से बाहर नहीं निकल सका, राजनेता की छवि बना पाना दूर की बात रही। अतीक के पॉलिटिकल ग्राफ में ऐसी गिरावट आई कि 2012 में अपना दल का टिकट लेकर वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा तो भी 9,000 वोटों से हार गया। दूसरी तरफ अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा भी कसता गया। राजू पाल केस में सीबीआई जांच चल रही है और चार्जशीट में अतीक और अशरफ दोनों का नाम है। तमाम अन्य आपराधिक मामले भी अतीक पर चल रहे हैं। 2017 में अतीक अहमद को जेल में बंद कर दिया गया और फिलहाल वो अहमदाबाद की जेल में है। ये था इलाहाबाद का किस्सा, अतीक अहमद का किस्सा, अतीक अहमद और राजू पाल की अदावत का किस्सा और विधायक राजू पाल के दिन दहाड़े मर्डर का किस्सा, जिसका आरोप अतीक अहमद पर है और जांच सीबीआई के पाले में है। और भी खबरें, और भी किस्से, चुनाव से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी डिजिटल के साथ। शुक्रिया।